आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौशाम्बी के नीलगिरी अपार्टमेंट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई सालों तक संसदीय बोर्ड के मेंबर रहे संघ प्रिय गौतम से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान पूरे परिसर में एएसपीजी कमांडो और पुलिस का सख्त पहरा रहा और रामनाथ कोविंद के पहुंचने पर वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा और रामनाथ कोविंद ने सभी का अभिवादन लेते हुए लिफ्ट से पांचवी मंजिल पहुंचे, जहां पर संघ प्रिय गौतम से उनका हालचाल जाना। चंदौली में देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई, जिसमें दो बच्चों और महिला की मौत हो गई, जबकि 8 महीने का बच्चा छिटक कर रेलवे लाइन के किनारे गिर गया, जिससे उसकी जान बच गई। घटना के बच्चों और महिलाओं शव रेलवे ट्रैक पर करीब 100 फीट की दूरी तक बिखरे पड़े थे। वहीं घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। इस पे हम लोग मैं स्वयं भी मौके पर गया था। एक महिला द्वारा अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया है दीनदयाल स्मारक के पीछे रेलवे ट्रैक पर। तो उस महिला का नाम मंजू देवी है, 30 वर्ष लगभग उम्र है, दो बच्चों के साथ उसने सुसाइड किया है। प्रथम दृष्टया जो मामला आ रहा है प्रकाश में, वो पारिवारिक कलह का आ रहा है और बॉडी को कब्जे में लेके मॉर्चरी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे जो भी उनके परिजनों द्वारा तहरीर दी जाएगी उस संबंध में विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गाजियाबाद में बेल बिंग स्पेशल स्कूल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा ऑटिज्म जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ऑटिज्म बच्चों ने हिस्सा लिया, कई तरह की परफॉर्मेंस भी दी। बता दें कि ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक मानसिक रोग है, जो दिमाग के कई भागों को प्रभावित करता है। जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है उन बच्चों की यह संस्थान मदद करता है, जहां बिहेवियर थेरेपी और मनोवैज्ञानिक तरीके से इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने पर कार्य किया जाता है। और मैं एक साल से पढ़ रहा हूँ इस स्कूल में। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? आज के प्रोग्राम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे बहुत ही फर्स्ट प्रोग्राम था और ऐसा प्रोग्राम आज से पहले यहाँ पे कभी नहीं हुआ और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय करा और एंड माय फ्रेंड्स, माय टीचर्स सब ने ऑल ऑफ दिस कि क्योंकि करी मैम ये क्या, उसने मुझे डांस से सिखाई, वो पता कौन से सॉन्ग था वो सॉन्ग था, अब वो तेरे को जानता है सॉन्ग वो उन्होंने करवाई। परी मैम क्या सर मेरा सोर्स से आदित्य गुप्ता और मानव शर्मा और शरान और हम प्यार से रहते हैं, हम पढ़ाई करते तो हम शाउट नहीं करते। पढ़ाई करना अच्छी लगती है, डांस करना नहीं? नहीं, डांस करना अच्छा लगता है। सर पहले नाम बताओ। मेरा नाम आदित्य मेहरा है जी। आदित्य जी, एक स्पेशल चाइल्ड के लिए एक प्रोग्राम वेलबीइंग स्कूल द्वारा आयोजित किया गया, किस तरीके से देखते हैं फिर स्पेशल चाइल्ड और बच्चों से किस तरीके से अलग होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इनको बिल्कुल अलग नहीं समझते किसी भी तरह से और किसी भी तरह का कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं रखा है हमने। नॉर्मल एक हमारी बिटिया भी है तो हमें किसी तरह का कोई भेदभाव करके हमने नहीं रखा। हाँ, कुछ स्पेशल नीड्स ज़रूर है जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, वो उन चीज़ों की ज़रूरत पड़। इस बार के ऑटिज्म अवेयरनेस डे में हमारा स्लोगन है कि हमारा साथ और हमारा विकास। हर विकास में हमें हमारे बच्चों को साथ लेकर चलना है और उनको साथ लेकर उनको पूरा मौका देना है कि वो खुद अपनी सहायता कर सके और समाज के सभी वर्ग जो मिलकर इस तरह कंधे से कंधा मिलाकर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो डेफिनेटली हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो बहुत आगे बढ़कर अपना काफी कुछ चैलेंज दिखा पाते हैं।
मैं वेलबींग स्पेशल स्कूल में पढ़ती हूँ. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया लोगों के साथ परफॉर्म करने में, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म करवाया मुझे, मुझे प्रैक्टिस करवाया. मैंने खूब प्रैक्टिस करी घर में और जी तोड़ मेहनत करी हम सब बच्चों ने मिलकर, और मुझे बहुत अच्छा लगा सच में. मेरा एक्सपीरियंस बहुत ऑटिस्टिक डे है. ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये इनके भावना इनके अंदर, ये लोग बहुत अच्छे से बात करते, किसी को कभी मारते पीटते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप से रहते हैं. मेरे को इतना पता है कि ये मुझे एक्चुअली इसके बारे में कुछ पता नहीं है. मैंने सिर्फ आज ये सिर्फ सुना है कि आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे होता क्या, मुझे नहीं पता. बाराबंकी में बाल श्री रघुवर युवा रामलीला समिति भिटौली में रामलीला का शुभारंभ हुआ, जिसमें 10 साल से लेकर 18 साल तक बच्चों को रामलीला सिखाया जाता है. इसको लेकर रामलीला समिति के अध्यक्ष ने बताया कि नन्हे बच्चों को सीख दी जाएगी, तभी वह जान सकेंगे कि हमारे हिंदुत्व धर्म में कैसे कार्यक्रम होते हैं. बता दें कि रामनवमी पर अयोध्या में राम का जन्म हुआ था. खबर गाजीपुर से है. जान धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है. बता दें कि पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के राधे नगर कॉलोनी का है, जहां पकड़े गए आरोपी बीमारी दूर करने के बहाने लोगों को धर्मांतरण करने के लिए बहका रहे थे. इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस कार्यवाही में जुटी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही मौके से ईसाई धर्मग्रंथ, क्रॉस, बने लॉकेट आदि भी बरामद किए गए हैं. सूचना सदर कोतवाली को प्राप्त हुई थी कि राधे नगर कॉलोनी में कुछ लोगों के द्वारा एक प्रार्थना सभा की जा रही है, जिसमें विश्वसनीय सूत्रों द्वारा बताया गया था कि धर्मांतरण भोले भाले लोगों को लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है. इस सूचना पर तत्काल हमारे शहर कोतवाली की पुलिस मौके पर गई, वरिष्ठ अधिकारी भी गए. इस मामले में कुछ व्यक्ति जो बाहर से आए हुए थे और इस कार्य में संलिप्त थे, उनसे गहनता से पूछताछ चल रही है. खबर गाजीपुर से है. जहां कांस्टेबल पर हमला करने वाले 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि बीती रात रातनवादा गांव से विवाद की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस फोर्स पर ग्रामीणों ने हमला किया था. दो पक्षों की मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई थी. इस दौरान ग्रामीणों ने पीआरवी पर पथराव कर दिया, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. देवरानी थी, वो विधवा है और वो उस घर में अपना हक मांगती थी. इसको लेकर उसके द्वारा प्रार्थना पत्र विभिन्न अधिकारियों को दिए गए थे. उनमें दोनों परिवारों को बैठा के कोशिश की गई थी और कल उसके सास ससुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिया गया था. तो ये तय हुआ था कि अधिकारी लोग दोनों पक्षों को बैठा के आपसी सहमति से अगर बनती है तो सही है, अन्यथा न्यायालय के माध्यम से अपना बंटवारा कराएं. शहर के गुलावटी में शातिर गोकश और पुलिस से मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी में एक शातिर घायल हो गया. बता दें कि घायल शातिर गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था. उस पर कई थानों में गोकशी समेत दर्जन भर गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं. वहीं शातिर के पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है. इसी सूचना के आधार पर गुलावटी पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई. लॉरेंस एकेडमी के पीछे एक संदिग्ध व्यक्ति पैदल आ रहा था, उसे रोकने का प्रयास पुलिस द्वारा किया गया. पुलिस को देखकर वो भागने लगा एवं आड़ लेकर पुलिस के ऊपर फायरिंग करी. आत्मरक्षार्थ में गुलावटी थाना पुलिस द्वारा फायरिंग करी गई, जिसमें वह व्यक्ति घायल हुआ. घायल संदिग्ध व्यक्ति की पहचान हनीर उर्फ निप्पन पुत्र हबीब के रूप में हुई है. ये कई गोवध अधिनियम के मुकदमों में
हरदोई के अतरौली इलाके में एक स्कूल के प्रबंधक और शिक्षिका के अवैध संबंध का ऑडियो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वसूली का मामला सामने आया है, जिसमें स्कूल के 4 छात्रों पर स्कूल के प्रबंधक से 8,00,000 रुपए वसूलने का आरोप है। साथ ही छात्रों के ए और रुपए मांगने के बाद प्रबंधक ने उन पर FIR दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। यह प्रकरण थाना अतरौली का है, जहां पर एक प्रबंधक द्वारा छात्रों पर यह आरोप लगाया गया है, उनके द्वारा इनसे अवैध वसूली की गई है। उपरोक्त प्रकरण में थाना अतरौली पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी सतर्कता की जांच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस